नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपनी जल मकान एग्री फार्म में सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है वो हमारे पीछे ट्यूबवेल लग रही है जिसके कारण आ रही है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं नीमच मंडी कल शाम तक की क्या अपडेट रही। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर ले तेजी और मंदी की। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर ले दाल चना मूँगफली सोयाबीन में आई तेजी में। इसबगोला और जो पोस्ता नम और मक्का राड़ा हमें कुछ नरमी देखने को मिला। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर ले गेहूँ की। 1900 रुपये से 2640 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला। गेहूँ में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं बात कर ले किसान मक्का की। मक्का में 1970 से 2230 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं उड़द की बात कर ले, उड़द का भाव किसान भाइयों 2000 रुपये से 6800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं चना की बात कर ले, चना का भाव रहा 3500 से 4812 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं सोयाबीन की बात कर ले, 4600 से 7805 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं हम बात कर ले किसान भाई रायड़ा की, तो रायड़ा का भाव रहा 6800 से 6630 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली का किसान भाई बात कर ले नीमच मंडी, तो 4250 से 5830 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं पोस्ताना की बात कर ले किसान भाई, एवरेज माल की 125000 से 140000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें देखने को मिला। वहीं टीना पुला माल की बात कर ले किसान भाई, 140000 से 164000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं बात कर ले किसान भाई मेथी की, 4500 रुपये से लेकर 6200 रुपये प्रति क्विंटल। और अलसी का भाव की बात करें किसान भाई, तो 7502 रुपये से लेकर 8700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें देखने को मिला। धनिया की बात कर ले, 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये प्रति क्विंटल नीमच मंडी में देखने को मिला। अजवाइन की बात कर ले, 7100 रुपये से लेकर 12850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं इसबगोला की बात कर ले, 9600 रुपये से लेकर 13300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें देखने को मिला। बात कर ले अश्वगंधा की, रंगनदार माल की 8000 रुपये से लेकर 20000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं बेस्ट माल की बात कर ले, 20000 से 30000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें देखने को मिला। लसन की बात कर ले किसान भाइयों, तो लसन की किसान भाइयों अब बात कर ले तो आवक की, तो 18000+ बोरी की आवक रही, जिसमें पुरानी लसन 1800 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल रही। और नई लसन की बात कर ले, तो नई लसन का भाव किसान भाई 1000 रुपये से लेकर 4600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें देखने को मिला। जो की बात करें, 1885 रुपये से लेकर 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें देखने को मिला। कलौंजी की बात करें, तो 8400 रुपये से लेकर 18300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला। तिल्ली की बात करें किसान, 5851 रुपये से 8900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं तुलसी बीज की बात करें किसान भाई, वो 12500 रुपये से लेकर 21112 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से तुलसी बीज देखने को मिला। प्याज की बात कर ले, 3600 रुपये से लेकर 2201 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें सोयाबीन देखने को मिला। डायरेक्ट चना की बात कर ले, 2900 से 8700 रुपये प्रति क्विंटल। और चिराया 1300 से लेकर 19000 रुपये, चिराया 1300 रुपये लेकर 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिले। अकारक की बात कर ले किसान भाइयों, तो 2000 रुपये से लेकर 20000 रुपये से लेकर 26000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें देखने को मिला। तो किसान भाइयों, ये थी नीमच मंडी अपडेट। अगर अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।